नमस्कार, आप देख रहे हैं MPCG एक्सप्रेस न्यूज। कोरोना काल में GM ने किया दमोह रेलवे स्टेशन का निरीक्षण, यात्रियों को दी कई सौगातें। अब दमोह रेलवे स्टेशन की ड्रोन कैमरे से होगी निगरानी। भले ही कोरोना वायरस की वजह से रेलवे यातायात पूर्ण रूप से संचालित नहीं हो पा रहा हो, लेकिन जो सुविधाएं अभी यात्रियों को मिल रही हैं वह काफ़ी हैं। इस कोरोना काल में आज पश्चिम मध्य रेलवे के GM शैलेंद्र कुमार सह ने दमोह रेलवे स्टेशन सहित समीपस्थ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके द्वारा कई सौगातें यात्रियों एवं रेलवे स्टाफ को प्रदान की गईं। GM के दौरा कार्यक्रम में सबसे अच्छी बात यह रही कि जितने भी लोकार्पण हुए हैं वह उनके निर्देश पर रेलवे कर्मचारियों या उनके परिजनों द्वारा किए गए हैं। दमोह द्वारा हुआ है, किस तरह की सौगात देने वाले हैं दमोह? नहीं, दमोह बेसिकली ये जो था ना इंस्पेक्शन, ये एनुअल इंस्पेक्शन होता है। इसमें जो बेसिकली रेलवे के जो ट्रैक होता है या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका रेगुलर इंस्पेक्शन, और इसके अलावा जो यात्रियों की सुविधा या लोकल जो लोग हैं उनकी क्या समस्याएं हैं उसके बारे में निरीक्षण करते हैं। तो अच्छा था, यहाँ का दौरा अच्छा था, और ख़ास करके रेलवे ने अपनी कुछ फैसिलिटीज़ डेवलप करी हैं बड़े अच्छे तरीके से, बहुत जल्दी करी हैं, ये एक संतोषजनक है। कॉलोनी का एंट्री रास्ता है तो यहाँ पे जो बाहर के व्हीकल यहाँ कंटिन्यूसली आना जाना करता है, प्रॉपर एंट्री तो उधर से है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे पैदल जाने वाले हम लोग अलाउ कर देंगे, बट बड़ा बड़ा व्हीकल यहाँ जाएंगे तो फिर दिक्कत। तो रेलवे की भी अपनी कॉलोनी है, उनकी प्राइवेसी होती है, तो उसमें डिस्टर्ब करना उचित नहीं है, इसलिए उसको बंद किया गया। पूरी तरह से अनलॉक नहीं हुआ, जैसे जैसे कंडीशंस सुधर रही हैं वैसे धीरे धीरे करके गाड़ियां भी बढ़ रही हैं, लेकिन धीरे आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से जब अभी वैक्सीन वगैरह लगनी शुरू हो गई है फर्दर इम्प्रूवमेंट होगा तो और गाड़ियां चलेंगी। लोकल पैसेंजर्स के लिए बताया ना कि जब तक उसमें MHA की गाइडलाइन जब तक नहीं आ जाती है, बिकॉज डर तो अभी भी है, फ्रीली तो हम लोग मूव नहीं कर सकते, अभी सब लोग मास्क लगा के चल रहे हैं, इसका मतलब कि समस्या है। तो जैसे जैसे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे हम लोग पैसेंजर गाड़ियां भी चलाएंगे। रेलवे में घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, पैसेंजर अभी नहीं चालू हुई हैं। रेलवे में पैसेंजर के साथ घटनाएं होती हैं, उसको रोकने के लिए कैसी घटनाएं? जैसे यहां पर लूट होती है, चोरी वगैरह होती है। लूट के लिए देखिए ऐसा है कि उसके लिए ऑलरेडी सिस्टम है, स्टेशन लिमिट में होता है या उसके आसपास होता है, तो GRP RPF मिलजुल के कार्रवाई करते हैं, उसमें संज्ञान लिया जाएगा। उन्हें आदर्श स्टेशन के रूप में है और रेलवे प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 काफ़ी नीचा है, कि कोई तैयारी या कोई इसका फिलहाल कोई सेंक्शन वर्क नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को धीरे धीरे सुधारेंगे, जैसे जैसे फंड मिलेगा चीज़ों को सुधारेंगे। जहाँ भी ओवरब्रिज या अंडरब्रिज सीक्रेट है तो रेलवे का कहना है कि अभी स्टेट गवर्नमेंट ने अपना अंश नहीं दिया है, तो क्या रेलवे अपने अंश से जितना उसका वर्क है वो करेगी या अभी? तो उससे फ़ायदा नहीं होगा ना, जब तक पूरा रेलवे का और स्टेट गवर्नमेंट का जब तक पूरा अंशदान हो के और पूरा कार्य नहीं होता है तो पैसेंजर तो खाली हमारा जो दायित्व होता है वो रेल के ऊपर बनाना है, तो उससे तो पर्पज़ सर्व नहीं होगा, जब पूरा सैंक्शन हो जाएगा। लेकिन उम्मीद है स्टेट गवर्नमेंट से भी पहल हुई है तो सैंक्शन होंगे और काम भी होगा। सर, दमोह से नागपुर के लिए मांग की जा रही ट्रेन की, दक्षिण भारत के लिए नागपुर के लिए क्या ट्रेन चलेगी? नहीं, उसका जो जैसे जैसे डिमांड आपका होता है हम इसको रेलवे बोर्ड भेजते हैं, और रेलवे बोर्ड एक ओवरऑल व्यू लेके पैसेंजर्स की संख्या को ध्यान में रखते हुए फिर वहाँ से सैंक्शन आता तो गाड़ी चलाएं। ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर सुरक्षा की निगरानी की जा रही है, कैसा? नहीं, अच्छा है, एक प्रयोग चल रहा है, अगर ये सफल हुआ तो खास करके जो हमारे मेजर यार्ड्स हैं या मेजर स्टेशंस हैं वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ये फायदेमंद साबित होगा। सर, जितने भी स्टेशन रहते हैं वहाँ पर बिजनेसमैनों के लिए कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन यहाँ के स्टेशन पर चारों तरफ बाउंड्री बना दी गई है, तो व्यापारियों को लेकर सर बड़ा असंतोष है। नहीं, कैसी सुविधा? मतलब व्यापार संचालन के लिए कॉमर्शियल नहीं, तो होटल के लिए देखो ऐसा है कि रेलवे स्टेशन में तो अभी देख रहे हो आप ऐसे ही जो हमारे प्लेटफॉर्म पे सर्विसेज थी बहुत दिनों से बंद थी, धीरे धीरे करके खुल रही हैं। अब वो जैसा होगा IRCTC और रेलवे मिलके कुछ करेगा
उसमें लोकल बाहर से आके करने का तो कोई अभी फिलहाल प्रावधान नहीं, अगर कभी होता है तो ज़रूर हम उसको। सर दमोह रेलवे स्टेशन पर निरीक्षण किया है सर, कैसा महसूस हुआ? अच्छा है, कुछ मतलब कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, जो थोड़ी बहुत कमी है उसको भी हम सुधारेंगे। सर तीसरी लाइन चालू है सर, कब तक कम्प्लीट हो जाएगी? एक्चुअली काम चल रहा है विभिन्न खंडों में, और जैसे जैसे फंड की अवेलेबिलिटी होती है, कुछ जगहों पे फॉरेस्ट का भी है, तो अगले 2-3 सालों में पूरी लाइन हमारी जो बचे हुए सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। कोविड काल में लगातार विकास करना कितनी बड़ी चुनौती हो रही है? चुनौती थी, लेकिन अभी तो चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक ठाक हो गई हैं। पहले जो हमारे खास करके जो मेजर प्रोजेक्ट्स थे, प्रोजेक्ट्स में जो कि मैन पावर की प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रहे हैं, तो अभी एज सच कोई बहुत मेजर इशू नहीं है। सुना है कि 300 किलोमीटर के अंदर कोई मेमो ट्रेन चलाने के का निर्णय रेलवे ले रही है, क्या दमोह में बिना कटनी सेक्शन में भी ये चलाया जाएगा? कोशिश करेंगे। ठीक है।